नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल महायोग टीवी में। दोस्तों, 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस मनाई जाएगी और 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। भक्तों के दिन तुलसी में बांध देना यह एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोस्तों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से पूरे साल धान बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली और धनतेरस का पर्व बहुत ही चमत्कारिक एवं शुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, उसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। पर कई लोग कह रहे हैं कि दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाया जाएगा, यानी कि कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि 1 तारीख को भी दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। हमने आपको शास्त्रों अनुसार बताया है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, पर अगर आपके यहाँ 1 नवंबर को दीपावली मनाई जा रही है तो उसे दिन भी आप इस तुलसी वाले उपाय को कर सकते हैं। आप लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि दीपावली का पर्व 5 दिन चलता है और 5ों दिन में से किसी भी दिन इस उपाय को कर लिया जाए तो लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान कुबेर देव हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, धनतेरस या दीपावली की जब भी आती है तो बहुत ही फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है। स्वयं लक्ष्मी जी चलकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और उसे घर में जरूर जाती है। भक्ति, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे हम बता दें कि हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल की फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती है और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अगर दीपावली के टाइम पर या धनतेरस के टाइम पर कोई ऐसा उपाय होगा जो आपकी राशि से रिलेटेड होगा तो हम आपके कमेंट की रिप्लाई में आपको बता देंगे, पर उसके लिए आप पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाते हैं। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भक्तों, चलिए आगे जान लेते हैं। जिस घर में यह छोटा सा उपाय, तुलसी से जुड़ा उपाय किया जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पौधे वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मां के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, और मां के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस धनतेरस या दीपावली दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही एक कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ही जय मां लक्ष्मी जी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द बांटने देना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, भगवान धनवंतरी की कृपा आप पर बरसे और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो, भक्तों जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके।
इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह धनतेरस का दिन, दीपावली का दिन, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, दीपावली के दिन यह छोटा सा उपाय करने से पूरी हो जाती है कि दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जी, उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन पर इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को हमें इस धनतेरस और दिवाली के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के पौधे वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पौधे का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पौधे की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता है बहाने होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्त, पौधे वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकाल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि धनतेरस और दीपावली साल के सबसे बड़े दिन है और इस दिन कल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे
तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु धनतेरस और दीपावली के दिन कोशिश करना इस समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें मैन तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप दिवाली और धनतेरस के दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं, और इस बार तो दिवाली पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगी का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे दो बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग और सर्वत सिद्ध योग दोनों के दोनों योग पर रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और दूसरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। क्योंकि जो दीपावली होती है, धनतेरस होती है का दिन जो होता है, यह श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको दिवाली और धनतेरस के दिन जरूर करना चाहिए, कि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं ये उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब आप स्नान करेंगे उसे जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी किसी हुई हल्दी डालनी है, और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है, और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो धनतेरस और दिवाली का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है, और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा, और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वह आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा, साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वह भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, तुलसी के पौधे में कौन सी वह चीज आपको रखती है जिसके बाद आपके घर में धान की वर्षा भी होगी और अष्ट लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है
इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय है और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कासन को दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर दिवाली और धनतेरस पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। क्यों? विधान संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपके यहां पर एक कलवा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है बिजी हुई हल्दी। अगर आपके पास सबूत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उसे हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलवा आपको थोड़ा सा इस हल्दी वाले जो हल्दी का अपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल उसी के अंदर आपको उसे मौली धागे को, उसे कलवा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उसके अलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलवा आपने लिया है 3 घंटे आपको लगानी है, तीनों गठन पर आपको बोलना है, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है, हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मौली भाग लिया है, कलवा जो लिया है, यह आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए यह उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाए। और अगर आप इस उपाय को शाम के समय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका समय होता है, उसका टाइम है कि किस समय पर करना है। तो आपको इस उपाय को रात के 9:30 की आप बाद ही आपने सुबह को करिए। अगर आप रात के समय करना चाहते हैं, दीपावली की पूजा के बाद करना चाहते हैं, तो 9:30 के बाद आप इस उपाय को रात्रि के 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम तक दीपावली की जो जागृत शक्तियां होती हैं, जो जागृत हो चुकी होती हैं, उसका विशेष रूप से आपको फल मिलता है और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है, और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं न वह भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलवा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मैन तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कासन को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगे और आपके घर में धान के भंडार भर जाएंगे, धन संपदा आपके घर में पड़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश्व है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मैन तुलसी से कह दें और फिर देखें, मैन तुलसी जो है ना, यह आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगे और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि मैन तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं डालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है, और इस बार तो बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है, तो आप यह उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। आप इस दिन क्या करें,
कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले ली है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जी गमले में लगा है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जवाब लगते हैं आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है। क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वह बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है। उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दिवाली से पहले यानी कि धनतेरस बहुत ही उत्तम योग, यानी साथ ही साथ इस दिन दिवाली और धनतेरस पर कोई भी उपाय कर जाए वह कभी खाली नहीं जाता है। और इस दिन आपको हल्दी और सिक्का घर में रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो इस दिन आपको करना है। इतना समझ लीजिए कि यह एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा आपके घर में होती है और कभी भी आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी। अब देखिए, यह बहुत लाभकारी होता है और इसमें किए गए जो उपाय होते हैं वह तुरंत सिद्ध होते हैं। तो आपको उपाय को जरूर ही करना है, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। धन दौलत की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माता लक्ष्मी का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भक्तों, आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिलता है। आप सभी के लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए चलिए। दीपावली से जुड़े कुछ और भी खास उपाय हैं, जो कि आपको दीपावली के टाइम पर जरूर करनी चाहिए। इन उपायों को करने से ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। चलिए जान लेते हैं। उससे पहले, अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो और इस वीडियो को अपने शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर ही कर दीजिए। आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धान की कभी कोई कमी ना हो तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यह बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह सोचता रहता है कि कब और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पीना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात अब इसी टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपको यह उपाय 5 शुक्रवार करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाय शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है। दरअसल शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपकी जीत कल में धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इसीलिए यह उपाय शुक्रवार के दिन ही किया जाता है ताकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर शुक्रवार को आपको यह उपाय करना होगा।
लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताह के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। भक्तों, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस उपाय को एक बार में ही फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दीपावली के या धनतेरस के दिन एक बार की इस उपाय को आप कर लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, धन दौलत की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। भक्तों, पर इस बात का भी आपको ज्ञान होना बेहद ही जरूरी और खास है कि आप इस उपाय को दीपावली या धनतेरस के टाइम पर नहीं कर पाते हो तो आप शुक्रवार के दिन जरूर कर सकते हैं, पर आपको शुक्रवार के दिन ज्यादा दिनों तक आपको इस उपाय को करना होगा। भक्तों, सबसे पहले और मुख्य नियम यह है कि इन 5 सप्ताह तक आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान मसाला आदि का सेवन आपको इन दिनों में नहीं करना है। यह नियम इसलिए है क्योंकि तामसिक भोजन हमारे मन और शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे हमारे पूजा पाठ और उपाय का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको दीपावली या धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद नहा लें और साफ सुथरे कपड़े पहन लें। कोशिश करें कि आप लाल रंग के कपड़े पहने, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। अब आपको एक लाल हाल कपड़ा लेना है। इस कपड़े में एक मुट्ठी खड़ा धनिया रखें और उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखें। बाद इस लाल कपड़े को मौली धागे से अच्छी तरह से बांध लें ताकि यह एक पोटली बन जाए। यह पोटली बनने के बाद आपको इसकर माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है। मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के बाद मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठे हों उन्हें यह पोटली दान कर दें। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है, या फिर आप अपने घर पर ही इस पोटली को बनाएं और दीपावली के दिन विधि विधान से इसकी पूजा करें और सुबह होकर आप किसी गरीब को इस पोटली को दान कर दें। उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन से कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगेगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं वह खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा। अब हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं जो घर की बरकत बढ़ाने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर की बरकत रुक जाती है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी हमारे घर को नजर लगा देते हैं। नजर लगा एक बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है जो हमारे घर की समृद्धि और शांति को खत्म कर देता है। यह नजर इतनी खतरनाक होती है कि यह पेड़ पौधों को भी सुख देती है। अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपके घर में फिर से समृद्धि और शांति का वास हो तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार की सुबह आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। अगर आप मिट्टी का दिया नहीं लेना चाहते तो आप पीतल का दिया भी ले सकते हैं, क्योंकि पीतल का दिया और भी शुभ माना जाता है। इस दिन में आपको 51 धनिया के दाने, 3 कपूर और 4 लौंग रखती है। इसके बाद इसे जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। इस उपाय को आपको 3 लगातार मंगलवार करना है। 3 मंगलवार लगातार यह उपाय करने के बाद आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इसके साथ ही आपके घर की बरकत फिर से लौट आएगी और आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का दौर शुरू हो जाएगा। अब हम आपको एक और उपाय बताते हैं जो नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको नजर लगा दी है और आप इस नजर दोष से परेशान हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। नजर दोष से मुक्ति पाने का यह उपाय दीपावली के दिन करना होता है, और वह भी सूर्यास्त के बाद। इस उपाय को करने के लिए आपको दिवाली के दिन सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी जरा लेना है। इस धनिया को अपने सिर के ऊपर से बाईं ओर से दाएं और 7 बार घूमें। इसके बाद इस धनिया को घर के सामने वाली सड़क के दूसरी ओर फेंक दें। ऐसा करने से जो भी नजर दोष आपके ऊपर था वह समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में फिर से शांति और समृद्धि का वास होगा। ध्यान रखें कि यह उपाय सिर्फ दिवाली को ही किया जाता है और इसे सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम आपको और भी ऐसे उपाय बता देते हैं जिनसे कि धन प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है।
एक ऐसा उपाय है जिससे कि माता रानी दोनों हाथों से अपने भक्तों के ऊपर धन लौट आई हैं और उनकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। इस उपाय को करने मात्र से लाभ प्राप्त होता है। चलिए इस उपाय को भी हम आपको बता देते हैं। दिवाली की रात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए अपामार्ग के पौधे की जड़ी DDDDH का उपयोग अत्यंत चमत्कारिक माना जाता है। इस दिन अपामार्ग की जड़ अथवा के पत्तों को तिजोरी या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां पर रखें तो यह आपके कर्ज को दूर करने में सहायक होगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दीपावली के दिन आप कुश की जड़, बिल्व के पत्ते, इसका फल, बीज, जड़ और सिंदूर को लीजिए और इन सभी चीजों को अमृत चौघड़ियां समय पर पीसकर एक चूर्ण बना लीजिए। अब इस मिश्रण को गंगा जल से गीला कर लीजिए। अब भोज पत्र पर अनार की कलम से ऊ आ ह्रीं क्रौं श्रीं श्रीय नम ममा लक्ष्मीं नाशय नाशय माम ऋणोत्तीर्णम कुरु कुरु संपदम वर्धय वर्धय स्वाहा इस मंत्र को लिखें और पूजा स्थल पर इसे स्थापित करें। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, जीवन में चली आ रही परेशानियों और कलह क्लेश से मुक्ति पाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि एक जटा वाला नारियल लीजिए। इस पर सिंदूर लगाकर लाल धागा बांधे और इस नारियल को धूप दीप दिखाएं। अब रात्रि में 12 बजे के दौरान नारियल को अपने ऊपर से 3 बार वार के इसे चौराहे पर फेंक आएं। इससे आपके जीवन में मौजूद कलह कलेश दूर होंगे और सुख की प्राप्ति होगी। वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए दीपावली के दिन प्रातः काल समय देवी लक्ष्मी जी को मखाने से बनी खीर और मालपुओं का भोग लगाएं। इस भोग को गरीबों में बांटे और परिवार समेत इसे ग्रहण करने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। मेहंदी लीजिए, इसे किसी किन्नर को भेंट करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होंगे। दीपावली के दिन कमल के पुष्प की एक माला लीजिए। इसे श्री विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जो को एक साथ चढ़ाएं, एक ही माला दोनों को अर्पित करें और अपने दाम्पत्य जीवन के सुख की प्रार्थना करें। रोग मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए दीपावली के दिन 7 प्रकार के अनाज लीजिए और इन अनाज को किसी धर्म स्थल पर दान कराएं। इससे नकारात्मकता दूर होगी और शुभता का जीवन में आगमन होगा। इस दिन रोग से मुक्ति पाने के लिए इस दिन 7 कोढ़ी लीजिए और उसे रोगी के ऊपर से वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस कार्य को शाम के समय पर ही करें। दीपावली सिद्ध एवं साधना का दिन यह दिवस आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाने में भी अत्यंत सहायक माना गया है। इस दिन पर किया गए मंत्र, सिद्ध के कार्य एवं कोई विशेष साधना भी सफल हो सकती है। इस कारण ही इस दिन को मंत्र एवं तंत्र की सिद्ध एवं सफलता हेतु उपयोग किया जाता है। दीपावली 2024 पर समस्त कार्यों हेतु एक सरल उपाय, शनिवार के दिन दीपावली होने पर यह दिन अत्यंत विशेष बन जाता है। इस दिन एक अत्यंत सरल किंतु चमत्कारी उपाय है कि प्रातकाल समय पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें एवं संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का 4 मुखी दीपक जलाएं। इस दीपावली के दिन ये कार्य करने से आपके समस्त कष्टों को दूर करने में अत्यंत ही सहायक बन सकता है। आपके द्वारा किया गया ये साधारण सा उपाय आपके जीवन को अनेकों नकारात्मकता से बचाने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।